हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जिनका रिचार्ज ख़त्म हो गया वो रिचार्ज कैसे करें। नज़दीकी कोई मार्केट नहीं खुल रहा है या दुकान वकान नहीं खुल रहा है, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग अपने मोबाइल का कैसे रिचार्ज करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पेटीएम चलाते हैं वो पहले ये वीडियो बना चुका हूँ उसका, पेटीएम से कैसे रिचार्ज करें आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो ये आज बता रहा हूँ एयरटेल पेमेंट से रिचार्ज कैसे करें उसको मैं बता रहा हूँ, ये लोग देखते हैं। चलिए मैं अपना एयरटेल पेमेंट ओपन करता हूँ, उसमें पासवर्ड में पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। तो देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे वॉलेट में 41 रुपीज़ हैं, 41 रुपीज़ हैं। तो इसमें पहले पैसा ऐड करेंगे जितना ऐड करना चाहें। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 500, हम सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम UPI से अपना ये पेमेंट करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे चलिए पैसा देखते हैं कैसे ऐड हो रहा है। तो जहाँ ये सेलेक्ट ऐप लिखा है यहाँ पे हम एप्लीकेशन अपना सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है। अगला हमारा स्टेप ओपन हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस सेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लिखा गया है उसके बाद से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे UPI अपना नंबर डालेंगे जो 6 डिजिट का होता है, मैं डाल देता हूँ। देखिए मैं डाल दिया हूँ। अब आगे इसको साइन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली है, पेमेंट हमारा ऐड हो गया है। तो अगला प्रोसेस कर रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को सब इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा 500 रुपये ऐड हो गया है। चलिए इसको स्किप कर देंगे, यहाँ डाउन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा वॉलेट में कितना है, 541 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ से मैं अपना रिचार्ज करता हूँ। तो ये देखिए कि कैसे रिचार्ज होगा। यहाँ पे तो जो रिचार्ज का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज दिया है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जिस नंबर पर वो रिचार्ज करना है वो नंबर डालेंगे। यहाँ पे वो नंबर डाल दे रहा हूँ, 2 9 6। मेरे कस्टमर का नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करें। आप लोग परेशान मत कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग उसे वीडियो बना दूंगा। तो ये आप लोग ये वीडियो यहाँ पे अपना प्लान देख सकते हैं कितने का कितना रिचार्ज है, कितने दिन तक वैलिडिटी है। तो मेरा यहाँ करना है 379 रुपये करना है। तो यहाँ 6 GB डाटा दे रहा है, 84 दिन के लिए दे रहा है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे इसका एक पिन होता है, उस पिन को हम लोग डालेंगे, इंटर पिन। मैं पिन डाल दे रहा हूँ, मैं पिन डाल दिया हूँ। इसको बुक क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है, अगला रिचार्ज हो रहा है। तो देखिए रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरह हम लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए डाउन कर देते हैं, हम लोग इस तरह से अपना रिचार्ज करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही रिचार्ज कीजिए और अपने दोस्तों को भी, अपने आसपास के रिलेटिव को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, कैसे रिचार्ज करें उनको भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। देखिए मेरे वॉलेट से पैसा कट गया है, 182 रुपये हो गया है। तो पैसा तो माइनस हो गया। इस नंबर पर कॉल मत करो, ठीक है, धन्यवाद।